ये है JBL पार्टी बॉक्स एनकोर एसेंशियल, अराउंड 20,000 रुपए का करंटली अवेलेबल है। 100 वोट की साउंड आउटपुट मिलती है, 6 घंटे तक का बैटरी बैकअप ये दे देता है। अंडर सर्कमस्टांसेस सिचुएशन बनानी पड़ेगी ना। एंड फ्रॉम द बॉटम ऑफ माय हार्ट आई रियली लव इट, कॉम्पैक्ट है, धासु चीज है। ऑन द अदर साइड ये है बोस S1 Pro, 80,000 का स्पीकर है, 80,000 का, हल्के में लेना। वेल ये 65,000 से 78,000 की प्राइसिंग के बीच में आजकल लाई कर रहा है। 150 वोट इसकी टोटल साउंड आउटपुट है एंड दिस इज अ PA यानी कि पब्लिक एड्रेसिंग स्पीकर। इसमें काफी सारे फीचर्स ऐसे आते हैं कि लाइव परफॉर्मर हो, आर्टिस्ट हो, देन ये कॉम्पैक्ट एंड पोर्टेबल सेगमेंट में फाइनल डेस्टिनेशन हो सकता है। बट दोनों की प्राइसिंग काफी हैवी है, इसीलिए आपके लिए एक बेस्ट ऑफर है 19th of Jan से 29th Jan तक। 2023 में आ चुके हैं, क्रोमा पर रिपब्लिक डे सेल आ रही है, ऑलरेडी चल चुकी है अगर आप इसी बीच देख रहे हो, जिसमें आपको हैवी डिस्काउंट्स के साथ ग्रेट डील, एक्सपर्ट एडवाइस, वैसे एक्सपर्ट हम भी हैं, एडवाइस देंगे आज। एंड अगर क्रोमा के बारे में पहली बार सुना है, वैसे सुना होगा, इट इज एन टाटा वेंचर, तो यहाँ पर आपको अप टू 50% तक का ऑफ मिल रहा है, प्लस सिलेक्टेड बैंक क्रेडिट कार्ड्स पे डिफरेंट डिफरेंट डेज पे डिफरेंट डिफरेंट डील्स आ रही है, जिसमें आपको इंस्टेंट डिस्काउंट मिल रहा है। एंड ये लिमिटेड नहीं है किसी भी सेगमेंट को लेके, मतलब कि कोई भी इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट हो, चाहे आपका मोबाइल फोन, स्पीकर, वॉशिंग मशीन, टीवी, फ्रिज, एनीथिंग, सभी पे आपको डिस्काउंट्स मिल रहे हैं। एंड क्रोमा आपको टाइमली डिलीवरी के साथ 100% क्वालिटी एश्योरेंस प्लस एक्सटेंडेड वारंटी का भी ऑप्शन देता है। ऑब्वियस है थोड़ा देना पड़ेगा, बट एक्सटेंडेड वारंटी के भी प्लान है। तो क्रोमा पर रिपब्लिक डे सेल 2023 19th Jan से 29th Jan तक चल रही है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रहा हूँ, गो एंड चेक इट आउट, इन दोनों पे भी ऑफर है। अब आपको भी थोड़ी दिक्कत हो रही होगी, ऑब्वियस है कि एनकोर एसेंशियल 20,000 का प्रोडक्ट और बोस S1 Pro 80,000 का प्रोडक्ट, क्या कंपैरिजन बनता है? वेल, पार्टी बॉक्स और PA स्पीकर का कंपैरिजन नहीं बनता है, लेकिन जब पैसे की ज्यादा खुजली होती है तो हमें लगता है कि महंगी चीज ज्यादा बेटर लिसनिंग एक्सपीरियंस देगी। मतलब कि ये पार्टी बॉक्स है, ये PA स्पीकर है यानी कि पब्लिक एड्रेसिंग स्पीकर, आर्टिस्ट या लाइव परफॉर्मर्स के लिए। एंड ये कंपैरिजन सिर्फ और सिर्फ उन लोगों के लिए है जिनको म्यूजिक लिसनिंग के लिए एक स्पीकर चाहिए। एंड इट डजंट मैटर की प्राइसिंग क्या है, रेदर वो 20,000 का हो या 80,000 का, बस एक्सपीरियंस अच्छा होना चाहिए। तो उसी में मैं आपकी हेल्प करने वाला हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल, JBL पार्टी बॉक्स एनकोर एसेंशियल पार्टी बॉक्स है म्यूजिक फन मस्ती के लिए। टोटल आउटपुट 100 वोल्ट, फ्रीक्वेंसी रेस्पॉन्स 45 हर्ट्ज से 20 किलोहर्ट्ज, बट 20 किलोहर्ट्ज मेंशन करना इजी है, इट गोज मैक्सिमम अप टू 13.1 किलोहर्ट्ज, मतलब कि हाइज का थोड़ा कमी इसमें पड़ता है। वहीं जो बोस S1 Pro है, ये एक PA यानी कि पब्लिक एड्रेसिंग स्पीकर है, ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूं कि आर्टिस्ट एंड लाइव परफॉर्मर्स के लिए है। टोटल आउटपुट इज 150 वोल्ट, फ्रीक्वेंसी रेस्पॉन्स 67 हर्ट्ज से 20 किलोहर्ट्ज तक, क्योंकि इसमें एक एक डिटेल आपको बहुत अच्छे से सुनाई देती है। अब यहां पे जो फ्रीक्वेंसी रेस्पॉन्स की फिगर्स है उसमें बहुत ज्यादा डिफरेंस है। द रीजन इज एनकोर एसेंशियल में आपको 5.25 इंच का वूफर मिलता है एंड 1.75 इंच के दो ट्वीटर्स। वहीं बोस S1 Pro में आपको 6 इंच का बेस स्पीकर प्लस 3 ड्राइवर्स मिलते हैं मिड एंड ट्रेबल के लिए। एंड आई एम रिपीटिंग अगेन, बेस स्पीकर, नॉट अ वूफर, जिसकी वजह से जो इसका फ्रीक्वेंसी रेस्पॉन्स है वो मिनिमम 67 हर्ट्ज तक जाता है, जहां पे लो बेस की थोड़ी कमी महसूस होती है। सो कुछ सैंपल सुनते हैं, थोड़ा क्लियर होगा। सैंपल्स मैंने आई बटन और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दिया है, वहां पे जाके आप चेकआउट कर सकते हो। मतलब फुल लेंथ सैंपल है और आपको क्लियर भी हो जाएगा कि JBL एनकोर एसेंशियल में आपको लो बेस का बहुत ज्यादा फील मिलता है, ग्रूव बहुत अच्छा आता है, मतलब पार्टी वाली फील आती है, वाइब 100% वॉल्यूम पे भी नॉन डिस्टोर्टेड रहता है, मतलब आपको वॉल्यूम कम करने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं पड़ेगी। लेकिन यहाँ पे थोड़ा हाइज का और मिड्स में कमी महसूस होती है, मतलब कुछ डिटेल मिसिंग रह जाती है, लेकिन इसका भी एक इलाज है कि इसके साथ आपको पार्टी बॉक्स ऐप मिलता है जिसमें डेडिकेटेड इक्वलाइजर आता है, तो यहाँ पे मिड्स एंड हाइज को अगर आप बढ़ा देते हो तो मैक्सिमम ये कवर कर देता है। बट ऑन दी अदर साइड बोस S1 Pro में आपको एक रिचनेस मिलती है, एक बारीक से बारीक क्लैप या फिर जो वोकल्स है वो इतनी शार्पनेस या रिचनेस के साथ सुनाई देता है कि आप म्यूजिक को एंजॉय करते हो। हालांकि इसमें आपको लो बेस या ग्रूव वाला फील नहीं मिलता, क्योंकि ये एक PA स्पीकर है एंड इसका जो साउंड प्रोफाइल है वो बैलेंस्ड या न्यूट्रल है। प्लस बोस S1 Pro के साथ भी एक बोस कनेक्ट ऐप आता है, लेकिन वो सिर्फ और सिर्फ TWS के लिए, कोई डेडिकेटेड इक्वलाइजर ना तो वहां पे म्यूजिक के लिए मिलता
और ना ही इसके कंसोल पे म्यूजिक स्ट्रीमिंग के लिए कोई इक्वलाइजर दिया है। मतलब बेस ट्रेबल की कोई नॉब इसमें नहीं मिलती, सिर्फ और सिर्फ वॉल्यूम कंट्रोल कर सकते हो। लेकिन Bose S1 Pro में आपको कोई डेडिकेटेड EQ नहीं मिलता, यहाँ पे ऑटो EQ मिलता है। वो काम कैसे करता है, इसमें आपको डिफरेंट पोजिशनिंग मिलती है, चार पोजिशनिंग है, ऐसे 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 ऐसे। तो इसमें इनबिल्ट सेंसर है जिसकी वजह से ये ऑटो EQ करता है माहौल के हिसाब से, पोजीशन के हिसाब से, किस पोजीशन में रखा है, और ऑडियो एक्सपीरियंस को उसी तरीके से एनहेंस करता है। एंड उसका फर्क आपको बहुत ज्यादा नहीं दिखेगा अगर आप इसके पास हो, अगर दूर हो तब आपको महसूस होता है। बट हाँ, बेस ट्रेबल को आप अपने मन मुताबिक कंट्रोल नहीं कर सकते अगर आपके फोन लैपटॉप PC में डेडिकेटेड EQ नहीं है अपना, है तो कर सकते हो। अब जो सेकंड ह्यूज डिफरेंस है वो है बैटरी बैकअप। JBL Encore Essential में आपको मैक्सिमम 6 hours का बैटरी बैकअप मिलता है, जिसमें आप बेस बूस्ट ऑफ रखते हो, लाइट शो ऑफ रखते हो, तब जाके आपको मिलता है। अदरवाइज मैक्स टू मैक्स 3.5 घंटे तक का बैकअप ये दे पाता है। एंड एक और इंटरेस्टिंग चीज, अगर आप इसको बैटरी पे रन करते हो तो ये अपने पोटेंशियल का सिर्फ और सिर्फ 69% ही ऑफर करता है। यानी कि अगर इसका 100% आपको पोटेंशियल या साउंड आउटपुट चाहिए तो आप इसको AC पावर से कनेक्ट करके चलाओ तब आएगा। वही Bose S1 Pro आपको देता है 11 घंटे तक का बैटरी बैकअप। एंड इसको कोई फर्क नहीं पड़ता आप इसको पावर सोर्स पे चलाओ या इनबिल्ट बैटरी पे, ये अपना 100% पोटेंशियल आपको हमेशा देगा। तो अब आपने भी महसूस किया होगा कि जैसे ही आप इसको पावर सप्लाई पे चलाते हो तो दोनों का जो आउटपुट है वो ऑलमोस्ट सेम हो जाता है। हालांकि Encore Essential 100 वोट का स्पीकर है लेकिन पावर सप्लाई पे ऑलमोस्ट ऐसी ही परफॉर्मेंस देता है। प्लस चार्जिंग का भी फीचर Bose S1 Pro में थोड़ा एक्स्ट्रा मिलता है। इसमें क्विक चार्ज का ऑप्शन मिलता है जिसमें बैटरी बहुत फास्टली चार्ज हो जाती है, बट Encore Essential में आपको नॉर्मल चार्जिंग मिलती है। अराउंड 2.5 से 3 घंटे लेता है बैटरी फुल होने में। वैसे तो दोनों ही स्पीकर्स को आउटडोर के लिए डिजाइन किया गया है, लेकिन जो Encore Essential है इसमें आपको IPX4 स्प्लैश प्रूफ रेटिंग मिलती है। Bose S1 Pro के साथ आपको कोई वाटर रेजिस्टेंट या स्प्लैश प्रूफ रेटिंग नहीं मिलती, तो इसको थोड़ा खतरा रहता है, 80,000 को खतरा है। अब एक काम करते हैं, एक दो सैंपल सोर्स सुनवाता हूं और आपको एक इंटरेस्टिंग चीज बताता हूं। यहाँ पे जो JBL Encore Essential है 100% वॉल्यूम पे भी वेल परफॉर्म करता है। हालांकि थोड़ा बहुत मिड्स एंड हाई कंप्रेस्ड रहते हैं, बट जो बेस का ग्रूव है वो बहुत तगड़ा है। वही जो Bose S1 Pro है इसमें 100% वॉल्यूम पे मैक्सिमम टाइम जब बी ड्रॉप होती है रेड सिग्नल आ जाता है। एंड रेड सिग्नल का मतलब ये है कि ऑडियो डिस्टोर्टेड आ रही है, अनबैलेंस्ड आ रही है, तो आपको वॉल्यूम थोड़ा कम करना पड़ेगा। एंड अगर आपने इनके अभी तक डेडिकेटेड रिव्यू नहीं देखे हैं मेरे चैनल पे तो आई बटन पे है, जाके देखो, बहुत कुछ वहां पे है। तो अगर आपको डिस्टोर्शन फ्री एक्सपीरियंस चाहिए, क्योंकि हमारी आदत होती है जब हम बाहर है पूरी वॉल्यूम खोल देना या पूरी वॉल्यूम कर देना, खोलना क्या होता है, तो पूरी वॉल्यूम वाले अगर आप गीक हो आपके लिए पार्टी बॉक्स Encore बेस्ट रहेगा, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा डिस्टोर्शन आता है। वो चीज थोड़ा डिसअपॉइंट करता है कि 80,000 रुपए खर्च करने के बाद भी आपको लिमिटर यूज करना पड़ रहा है। लेकिन अगर आपको लो बेस की चाहनी है, सिर्फ आपको चाहिए रिचनेस क्लैरिटी, देन Bose S1 Pro इज परफेक्ट फिट फॉर यू। बस 80,000 रुपए में आपका घर चला जाएगा। अब थोड़ा कंपैरिजन से हटके, क्योंकि कंपैरिजन सिर्फ और सिर्फ म्यूजिक लिसनर्स के लिए था, किसी आर्टिस्ट या परफॉर्मर के लिए नहीं था। अगर आर्टिस्ट या परफॉर्मर हो देन Bose S1 Pro इज परफेक्ट फिट फॉर यू। इसमें आपको कुछ भी ऐसा नहीं मिलने वाला, क्योंकि सिर्फ एक इनपुट मिलती है माइक के लिए, वहां भी गिटार का ऑप्शन नहीं है। तो Encore इज जस्ट अ पार्टी स्पीकर एंड ओनली पार्टी स्पीकर। ये ऑलराउंडर ऑल इन वन है, DJ कंसोल, मिक्सर, पता नहीं क्या क्या दिया हुआ है। एंड कंक्लूजन यही है कि अगर आपके लिए पैसा मैटर नहीं करता, आपको बेस चाहिए, ग्रूव चाहिए, देन ये, और अगर अंधा पैसा है, बेस वेस नहीं चाहिए, रिचनेस चाहिए, तो ये, और सब्सक्राइब का बटन है, ये कर दो। तो ये था ओवरऑल वीडियो रिगार्डिंग JBL पार्टी बॉक्स Encore Essential वर्सेस Bose S1
7 Pro in terms of music experience, only music experience. तो अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब सब कुछ कर दो, इंस्टाग्राम हैंडल फॉलो कर लो. सो सी यू इन नेक्स्ट वीडियो. टिल देन गुड बाय, टेक केयर, रेस्पेक्ट द टेक.